कौन बेसिस पे बेटा, विच बेसिस आप पॉलिसी को नहीं रिजेक्ट करोगे, बिकॉज ये कौन है, रेड एल्गी है, ठीक है। तो रेड एल्गी पो जी जी पढ़ा था ना हमने, ठीक है। तो रेड एल्गी डू नॉट हैव एनी फ्लैजेलेटेड स्टेज, तो ये गया। अब दो ही बचे यार, एनाबेना एक्टोकार्पस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एनाबेना क्या है। एनाबेना तो एक साइनोबैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता है ना, न बजेगा न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो बेटा इसमें गिमेल गैमेट तो होता ही नहीं है, तो एक ही है एक्टोकार्पस, ठीक है। तो याद रखो, अभी देखो एक्टोकार्पस में आपको देखने को मिलता है नॉन फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट, नो नो फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट, ठीक है, हो गया। चलो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है आपको, बताओ रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है ना। एगार एगार इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्लेडियम एंड ग्रैसिलेरिया, ये सही है क्या? यस यस ये सही है, ये सही है, ठीक है। क्लोरेला एंड स्पायरोलिना आर यूज्ड एज अ स्पेस फूड, ये भी सही है यार, है ना। यस सिंगल सिंगल यस सेल प्रोटीन मैंने बताया था आपको। मैनिटॉल इज अ स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, ये सही है क्या? नो सर नो, फ्लोरिडियन स्टार्च होना चाहिए था रोडोफाइसी के लिए, तो ये तो रॉन्ग है। डी क्या है, अल्जीन एंड कैरेजीन आर प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी, ये भी सही है। तो हमारा आंसर है सी, है ना, क्योंकि उसने पूछा ये कि रॉन्ग ढूंढो। देखो आप कितना मतलब कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है, आपने जो पढ़ा है उसका जवाब आपको आता है, इट्स सो इजी। और इवन मैंने आपको बेटा बहुत सारे क्वेश्चन भी भेजे हैं एनसीईआरटी बेस्ड, अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया होगा तो बेटा आपका बिल्कुल चैप्टर मजबूत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमी। आइसोगैमी कहाँ पे देखने को मिलेगी? आइसोगैमी को याद रखने के लिए मैंने ये तो बताया था आपको, याद है क्या? यस सर यस है ना, सर यस सर अच्छा तो क्या है बेटा, आई सी क्यू। तो बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमी विथ नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स। अब आपको स्पाइरोगैमी अगेन है ना, मैंने तो बता ही रखा है कि स्पायर वगैरह मेन है ना गैमेट, नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। तो अब नोटिस करने वाला मुद्दा क्या है, क्या यूलोथ्रिक्स में आइसोगैमी है? यस आइसोगैमी है। एक्टोकार्पस में आइसोगैमी है क्या? यस आप देख सकते हो यस यूलोथ्रिक्स एक्टोकार्पस, ठीक है। बट हमारा आंसर यूलोथ्रिक्स नहीं है, क्यों नहीं है? अब हमें नोटिस करना है यूलोथ्रिक्स में फ्लैजेलेटेड गैमेट्स होते हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है, नॉन फ्लैजेलेटेड होने चाहिए इसीलिए ये रिजेक्ट है। ये भी आइसोगैमी करता है बट नॉन एंड फ्लैजेलेटेड गैमेट। अब भी ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, ये देखो 2015 एक्टोकार्पस दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है बेटा 2015 का क्वेश्चन। अब देखो ये कब का है, 2014 का क्वेश्चन, 2014 का क्वेश्चन है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने पूछा है नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगैमी, तो नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगैमी तो सिर्फ स्पायरोगैरा में होती है, आइसोगैमी है ना। सार्गेसम में क्या होता है बताओ? ऊगैमी होती है, बराबर है, ये यस बताया सर जाना ऊ वीजा फेको, करेक्ट है। तो यस सा ऐसे क्या है, सार्गेसम है, तो सार्गेसम जो है डेफिनेटली ऊगैमी शो करता है, इसलिए पहले रिजेक्ट होता है। बाकी तीनों आइसोगैमी करते जरूर है, बट यूलोथ्रिक्स और एक्टोकार्पस में फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट है, इसलिए हमारा आंसर है स्पायरोगायरा। क्लियर है, क्लियर है। यस अच्छा एक बात ये क्लियर है कि हाउ द 2015 क्वेश्चन इज इंस्पायर्ड बाय द 2014। यस सर दूसरा, क्या आपको ये बात काम नहीं आई? मैंने एक बहुत सी पॉइंट बताया था कि स्पायरोगायरा डू नॉट हैव मोटाइल गैमेट्स, ये बात याद ही रखने का बिल्कुल, है ना, तो आपको आसानी होगी। चलो ये आते हैं पांचवे पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द कारा। कारा के बारे में मैंने आपको ये बात बताई थी कि उसमें ये ब्रांच एल्गी होता है ना, ग्रीन एल्गी है, उसमें ब्रांचेस होते हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर जो होता है सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, नीचे भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है गोल गोल, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूकुल, नीचे वाले को बोलते हैं ग्लोब्यूल। कितना आसान नाम है, न्यूकुल फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यूगोनियम है, ग्लोब्यूल बेटा मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, एंथ्रेडियम है। लव अंडरस्टैंड, यहाँ पे लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द कारा, बताओ आंसर कौन सा सही होगा, आप ही बोलो। तब तक मैं पानी पी गया था, ढूंढ लो।
हाँ बोलो आंसर। सी वाला अपर एंथ्रेडियम एंड लोअर रोगोनियम, बिल्कुल सही बेटा, आ गए आप। अब पता है ये क्वेश्चन बच्चों, ये एक्चुअली है 12th स्टैंडर्ड के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर का, ठीक है, क्योंकि रिलेटेड टू एल्गी है, क्योंकि कारा एक एल्गी है, इसीलिए यहाँ पे वो क्वेश्चन ने मेंशन किया है। नहीं तो ये क्वेश्चन कहाँ का है, 12th स्टैंडर्ड का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अगर आप उसका एनसीईआरटी देखोगे ना, उसमें डायग्राम आपको दिखेगी ग्लोबुल न्यूक्लियोल वाली, ठीक है। लेट्स है ना मूव अहेड। एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज अ फूड फॉर द ह्यूमन बींग, ये बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। अच्छा मैं नंबर पूछता हूँ, कितने स्पीसीज एल्गी के एज ए फूड यूज किए जाते हैं, नंबर बताओ। 70। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब नाम बताओ। क्लोरेला। एग्जैक्टली, डन, सिंपल है। सो एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज अ फूड फॉर द ह्यूमन बींग इज क्लोरेला। आसान है ना, अब भी तो हमने बात की थी सिंगल सेल प्रोटीन की, है ना, उनमें प्रोटीन्स होते भरे पड़े, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, डन। नेक्स्ट वन, आइसोगैमस कंडीशन, अब तो ये बता ही पाओगे आप, है ना। आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स इज फाउंड इन, बताओ। स्पाइरोगैमी। सबको आ रहा है आंसर, आसान है ना। देखो आप, ये 2013 क्वेश्चन, आंसर क्या होगा, स्पायरोगायरा। बिना झिझक आप आंसर दे सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि वॉलवॉक्स में क्या होता है, वॉलवॉक्स में होता है ऊगेमी, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन कि फ्यूकस में क्या आता है, फ्यूकस में भी बेटा वही है ऊगेमी, ठीक है। क्लैमाइडोमोनास में बेटा आइसोगैमी भी होती है, अनाइसोगैमी भी होती है, ऊगेमी होती है, तीनों होता है, बराबर है, ठीक है ना। बट याद रखना कि वॉलवॉक्स में फ्लैजेलेटेड गैमेट्स होते हैं, वॉलवॉक्स में क्या होते हैं, फ्लैजेलेटेड गैमेट्स होते हैं, है ना। क्लैमाइडोमोनास में भी फ्लैजेलेटेड गैमेट्स होते हैं, ठीक है। सो द आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन इज द स्पायरोगायरा, डन। यस, आगे बढ़े। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म and it's a cell wall degrading enzyme. अब ये actually question है cell नाम के chapter का, ठीक है। देखो plant का cell wall cellulose से बना होता है, इसलिए cellulose से digest, cellulase as लगा तो enzyme, ठीक है, ase लगा तो enzyme। ये question इस chapter का है नहीं, but क्योंकि algae यहाँ पे mentioned है, ये plants यहाँ पे mentioned है, इसलिए question यहाँ पे है। तो plant cell cellulose से बना होता है cell wall, तो cellulase। देन फंगा जो होता है काइटिन से बने हुए सेल वॉल है, तो काइटिनेज यूज होगा, एएससी, तो ये करेक्ट है। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है, और उसको डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो लाइसोजाइम है। हमारे टीयर्स होते हैं ना, टीयर्स, यू नो, टीयर्स में एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम, ताकि हमारे आंखों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो लाइसोजाइम बैक्टीरियल, बट बिल्कुल रॉन्ग तो ये है, हमारा आंसर ये एल्गी मिथाइलेस। मिथाइलेस क्या होता है ना, तो बेटा ये है रॉन्ग आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर द, करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, ये वाला करेक्टली मैच नहीं है, क्लियर है। यस क्लियर है, ओके। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, अब इसका आंसर आप जरूर दे सकते हो, बताओ इसका क्या आंसर होगा, रॉन्गली मैच पूछ रहा है। बी है ना, सोचने वाली बात भी नहीं है, स्पायरोगायरा मोटाइल गैमेट हो गया, रॉन्गली मैच्ड है कि नहीं। तो नॉस्टॉक वाटर ब्लूम या अल्गल ब्लूम कॉज करते हैं, बिल्कुल सही है। सार्गियसम बेटा ब्राउन एल्गी है, तो ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल सी पाया जाता है, बिल्कुल सही है। एबीसीडी मैंने बताया था आपको, ए बी सी डी करेक्ट है ना, है ना। सो क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। बैसिडियोमाइसिटस, ये फंगस है, इनको बेटा हम लोग पफ बॉल या मशरूम या ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, तो ये भी सही है। सो ये सारी चीजें सही है बच्चों, ऑल दिस, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, है ना। नॉस्टॉक्स, ऑर्गेसम, बैसिडियो, ये सब। तो सिर्फ स्पायरोगायरा, तो बेटा एक छोटा सा पॉइंट आपको पता है, स्पायरोगायरा डू नॉट हैव अ मोटाइल गैमेट। कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए सेम एक पॉइंट के ऊपर, बराबर एक सिंगल स्टेटमेंट, समझ रहे हो। इसी को मैं बोलता हूँ स्मार्ट वर्क, यही स्मार्ट वर्क है, एक सिंगल स्टेटमेंट पे इतने क्वेश्चन के आंसर आ गए। आए कि नहीं आए, बोलो।
यस सर, यही तो है, बढ़िया है। नाउ अभी आता है बेटा, एल्गी हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ। अभी फिर से देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअली हमारे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का है। इसमें आंसर ये है, सेलुलोस, गैलेक्टन्स एंड मैनन्स। तो ये क्वेश्चन हम लोग, इसका बेटा हमें आंसर देखने को मिलेगा, सेलुलोस, गैलेक्टन्स एंड मैनन्स, ठीक है, इन योर सेल चैप्टर, ठीक है। तो जब हम लोग ये पढ़ेंगे चैप्टर, तभी आपको ये पता चलेगा, ठीक है। सो इज इट क्लियर, ठीक है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एलजी वाला पोर्शन निकालो, लगभग 130 to 132 पेज पे जाओ, वहां पे सेल वॉल मिलेगा। सेल वॉल में नीचे सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा, एलजी हैव अ सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स एंड मैनन्स एंड ऑल्सो मिनरल्स, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह मिनरल्स होते हैं, वो भी उसके सेल वॉल में पाए जाते हैं, ठीक है। सो सिंपल, ठीक है। प्लांट सेल में हेमीसेलुलोस पाया जाता है, जो एलगी में नहीं देखने को मिलता, ठीक है, तो वो भी आपको वहां पे लिखा हुआ दिखेगा पक्का। सो ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, मैनिटॉल, ये तो आप बिल्कुल आंसर दे ही सकते हो इसका। मैनिटॉल इज द स्टोर्ड फूड इन, बताओ किसका स्टोर्ड फूड है मैनिटॉल? फ्यूकस, ब्राउन एलगी का, ठीक है। तो ब्राउन एलगी कौन है? फ्यूकस। देखो यहाँ पे अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चाहे कितना भी सिंपल हो बट एलिमिनेट जरूर करो, जैसे कि पोरफायरा क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज इन रेड एल्गी, गॉन। ग्रासिलेरिया रेड एल्गी, गॉन। कारा ग्रीन एल्गी, गॉन। अभी सही है, हाँ फ्यूकस ही है भाई। ये जरूर करो, नहीं तो निगेटिव मार्किंग हो जाती है, मतलब हमें आंसर आता भी है तब भी हम थोड़ा सा गलती कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू आर आस्क्ड टू क्लासीफाई द वेरियस एल्गी इन टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, Which of the following characters you should choose? मैंने आपको बताया भी था पढ़ाते वक्त कि एल्गी का क्लासिफिकेशन कौन सी चीज के ऊपर बेस्ड है, बताओ ना। पिगमेंट्स, तो ये है आंसर आपका, टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल। बाकी तीन ऑप्शन देख लो, नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द सेल, ठीक है, ये डिफर करता है बट इसके ऊपर बेस्ड नहीं है क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म थैलस, ये तो यूज ही नहीं हो रहा है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, ये भी डिफर करता है बट इसके ऊपर बेस नहीं है क्लासिफिकेशन। तो ये बट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल, ऑब्वियसली यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अच्छा ये बता सकते हो, फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन, अच्छा फ्लोरिडियन स्टार्च कहाँ पाया जाता है भाई? रोडोफाइसी। एग्जैक्टली, रोडोफाइसी, रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे है ना क्लोरोफाइसी दिया है, उसमें क्लोरोफाइसियन स्टार्च होता है। साइनोफाइसी में भी बेटा स्टार्च होता है, साइनोफाइसी मतलब साइनोबैक्टीरिया, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको पहले कहते थे। ये क्या है पता है? मेक्सोफाइसी। देखो अभी ऑप्शन में जो दिखता है ना वो उसको पकड़ लो। अब ये देखो, अगर आपको नहीं पता है मेक्सोफाइसी क्या है तो पता कर लो, यही है पीवाईक्यू सॉल्व करना। क्या मतलब है मिक्सोफाइसी का? एक्चुअली मिक्सोफाइसी भी इन्हें ही कहा जाता है, किसे? साइनोफाइसी को, मतलब साइनो बैक्टीरिया को, ठीक है। यस यस डन, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अ रिसर्च स्टूडेंट कलेक्टेड सर्टेन एल्गा एंड फाउंड दैट इट्स सेल्स कंटेन बोथ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एज वेल एज फाइटोएरिथ्रिन द एल्गा बिलोंग्स टू, बताओ उसमें क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी आल्सो है और फाइटोएरिथ्रिन है। द अल्गा बिलोंग्स टू, यहाँ पे ऑप्शन दिए चार, रोडोफाइसी, बैसिलेरियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, बताओ क्या आंसर होगा? क्लोरोफाइसी है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें याद रखना है कि देखो ये वाला जो पिगमेंट है फाइटोएरिथ्रिन, ठीक है, इसके वजह से। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, अगर हम क्लोरोफिल ए और बी को मान लेते हैं तो ये होना चाहिए ग्रीन एल्गी, बराबर? यस सर, ठीक है। बट अगर हम फाइटोएरिथ्रिन देखते हैं तो हम लोग इसको बोलेंगे रेड एल्गी। नाउ देखो, स्टूडेंट ने जो कलेक्ट करके लाया है नहीं, उसमें फाइटोएरिथ्रिन भी प्रेजेंट है, तो एल्गा कहाँ पे बिलोंग करेगा? अब देखो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता, है ना? यस सर,
बिल्कुल क्लोरोफाइसी, क्योंकि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है। बट यहाँ पे अब हमें ये समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि वो अपियर कैसे करेगा। अपियर करेगा मतलब वो कौन से कलर का दिखेगा, विच कलर। ठीक है, तो आंसर है क्योंकि फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट है तो वो रेड कलर का दिखाई देगा। जब अगर वो रेड कलर का अपियर होगा तो आप उसे क्या मानोगे? रोडोफाइसी। इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा? रोडोफाइसी। ठीक है, हाँ वो एक्सेप्शनल रोडोफाइसी है जिसमें क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। यस एवरीवन, यस सर, है ना, क्योंकि अपियर वो रेड होगा ना, तो मैं उसको रेड अल्गी ही बोलूंगा। चलो आगे चलते हैं। कॉल्यूमेला इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्पोरेंजियम ऑफ, एक्चुअली ये क्वेश्चन बेटा किंगडम फंजाय का है। ठीक है, तो कॉल्यूमेला बेटा जिसमें स्पोरेंजिया होते हैं उन्हीं में बनेगा, जैसे कि राइजोपस, राइजोपस जो कि फाइकोबायसिटिस ग्रुप का है। तो ये 1999 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना, इतना डिटेल हमें आजकल पूछते भी नहीं है। तो ये एल्गीज में तो होता नहीं है। ठीक है, कॉल्यूमेला, मैंने कॉल्यूमेला ये वर्ड आपको पहले भी एक जगह पढ़ाया है, कहाँ पे आप बता सकते हो? कॉल्यूमेला मैंने कहाँ बताया आपको? वेयर यू हैव स्टडीड द कॉल्यूमेला? किसी को याद भी है? क्या किसी को याद है इलेटर्स? क्या किसी को याद है पेरिस्टोमियल टिथ? यस बोलो। यस यस सर। इतना दबा दबा सा क्या है? टेंशन मत लो, नहीं आता है नहीं आता है, खुल के बोलो। जितना आप ओपन होंगे, जितना खुल के दिमाग को ना रखोगे उतना सही है। कोई भी अपेक्षा नहीं करता कि आपको एक ही दिन में, एक ही महीने में ऐसी चीजें बिल्कुल ग्रास्प हो जाए सारी की सारी। आपने रिवाइज किया है नहीं किया यही चेक होता है। देखो मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि हम लोग आगे आने वाले क्लास में पीवाई क्यूज करने वाले हैं, तो सारा आपका पूरा का पूरा जो प्लांट किंगडम है वो पढ़ के आ जाओ। ठीक है, देखो ब्रायोफाइट्स में मैंने आपको, है ना, मॉसेस का जो है ना स्पोरोफाइट है कैप्सूल, उसको पढ़ाया। उसमें थीका था, एपोफाइसिस था, ओपरकुलम था, बराबर है, पेरिस्टोमियल टिथ है, और बीच में एक कॉलम बनाया था, उसको क्या बोला था? कॉल्यूमेला। करेक्ट है क्या? अरे कैन यू रिमेम्बर? यस सर। तो बेटा ये जो चीज है राइजोपस, है ना, वैसा ही है। इसमें भी बेटा स्पोरेंजिया बनता है और स्पोरेंजिया में कॉल्यूमेला होता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ो, है ना, ये फंगस का है। नाउ अब ये बता सकते हो क्या? यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, नाउ देखो यहाँ पे ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा बता दू। आज के सिलेबस में और पहले के सिलेबस में थोड़ा फर्क था। पहले के सिलेबस में स्पायरोगायरा का, क्लैमाइडोमोनास का, यूलोथ्रिक्स का, इनका लाइफ साइकिल पूरा दिया था, पूरा एक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्लांट के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन बताई गई थी। आज नहीं है इतना, इतना कुछ हम लोग नहीं पढ़ते। ओके, फिर भी क्या आप अभी जो अभी तक जितना आपने पढ़ा उसके ऊपर क्या आप जवाब दे सकते हो? यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, क्या हो सकता है ये यूलोथ्रिक्स? बी, देखो ऑप्शन डी ए बी सी क्या है, मतलब रिजेक्ट करो पहले। तो ए में देखो, नॉन मोटाइल कोलोनियल अल्गा लैकिंग ज़ूस्पोर्स। देखो सबसे पहली बात तो वो कोलोनियल अल्गा नहीं है, बराबर है क्या वो? नो सर, इसलिए गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, दूसरा बी फिलामेंटस अल्गा, बराबर है, फिलामेंटस होता है वो। लैकिंग फ्लैजेलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज, अभी अगर अपने ये क्वेश्चन को अगर याद करोगे, यही क्वेश्चन देखो ऊपर ही, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें पूछा है आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजेलेटेड। तो हमने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है देखो स्पायर वगैरह, वोल्वा, स्ट्रुकस इनमें तो है। उसके बाद इसके ऊपर देखो, ठीक है यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमी विद द नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स, नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट। तो यूलोथ्रिक्स में हमने बोला अरे इसमें तो फ्लैजेलेटेड गैमेट्स होते हैं क्योंकि स्पायर वगैरह में नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं। तो आंसर बेटा
मैंने बोला था कि यहाँ पे, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि यूलोथ्रिक्स में फ्लैजेलेटेड गैमेट्स होते हैं, तो बेटा क्या आप बी को रखोगे या एलिमिनेट करोगे? देखो फिलामेंटस अलगा लैकिंग फ्लैजेलेटेड बोल रहा है, ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं है। बात क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है, अगर आप पढ़ के भी नहीं आया तो अभी के अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से तो आपको बिल्कुल दिखाई देता है। अभी अभी करना कुछ नहीं, हमें ये ही क्वेश्चन 2-3 बार करने हैं बस, आपको पता हो जाएगा एक ही चीज बार बार पूछते हैं, ठीक है, और वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा एक बार तो आपको कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस होगा। चलो मेम्ब्रेनस एल्गा प्रोड्यूसिंग ज़ूस्पोर्स, अब ये मेम्ब्रेनस तो होता नहीं है, ये फिलामेंटस होता है, ठीक है, एक सिंगल सेल ऐसे प्रॉपर एक साधा मेम्ब्रेन वाला तो होता नहीं है, सो इसीलिए सी इज रिजेक्टेड। अभी बचा है डी, फिलामेंटस एल्गा विद द फ्लैजेलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड दिस इज करेक्ट। ओके although I know the option D is correct but I have to reject all the three क्योंकि to reduce the negative marking chances, ठीक है, next an alga very rich in protein is, ये बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान है, बताओ कौन होगा, क्या क्या आंसर होगा? Chlorella, Chlorella obviously, ठीक है, next Eulothrix filaments produce, क्या produce करेगा Eulothrix filaments? Isogametes, anisogametes, heterogametes, basidiospores. सबसे पहले तो आप इसे रिजेक्ट करोगे, है ना? बराबर है। अभी देखो, iso, anisogametes उसमें नहीं होता, तो आपको तो मैंने बार बार बताया ये याद रखना है, I से U. तो C, U क्या है? Eulothrix है, तो उनका आंसर क्या है? A. Eulothrix filaments produce the isogametes. Correct है? Yes. Yes sir. बहुत बढ़िया। Now. Brown algae is characterized by the presence of, बताओ brown algae is characterized by the presence of, क्या होता है brown algae? बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। Now blue green algae belongs to, blue green algae क्या होते हैं? बहुत simple question है ये, blue green algae eukaryote होते हैं कि prokaryotic होते हैं? Obviously blue green algae जो होते हैं वो bacteria कहलाए जाते हैं, cyanobacteria, so they are prokaryotic, यूकेरियोट तो है नहीं, वो एल्गी है ही नहीं, ठीक है, वो गलती से हम लोग उनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे, बट अब जानते हैं अभी हम लोग दे आर नॉट एल्गी, दे आर द प्रोकैरियोट्स, साइनोबैक्टीरिया, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट, द अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लोअर मोस्ट सेल्स ऑफ यूलोथ्रिक शोज, अभी होता क्या ये यूलोथ्रिक जो होते हैं ना, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर ये फिलामेंटस होता है, तो ये जहां पे जमीन को अटैच होते हैं, ठीक है, तो जमीन पर जब अटैच होते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे ये वाले जो सेल है ये थोड़े से कलरलेस होते हैं, और ऊपर वाले जो सेल होते हैं ये ऊपर वाले जो होते हैं वो है ना वो ग्रीन होते हैं, तो ऐसा क्यों है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लोअर मोस्ट सेल्स ऑफ द यूरोथ्रिक शूट्स, अब इसको कंपेरेटिवली सोचो बच्चों कि रूट में जितने भी सेल पाए जाते हैं प्लांट के रूट में वो ग्रीन होते हैं क्या? अरे कुछ तो बोलो, प्लांट्स के रूट में जो सेल होते हैं वो ग्रीन होते हैं क्या? नो सर, नहीं होते, ग्रीन नहीं होते। इसका मतलब है कि रूट ने अपना एक फंक्शन ले लिया और वो कलरलेस बन गए, तो बेटा उसकी शुरुआत है ना ये, ठीक है, सो इट्स आंसर इज द बिगिनिंग ऑफ द लेबर डिविजन, ठीक है, बिगिनिंग हुई, शुरुआत हुई है, आगे चल करके ये वाला ही पार्ट रूट जैसा काम करेगा, राइजोइड बनेगा प्रायोफाइट में, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। फंक्शनल फ्यूजन नहीं है, अलग अलग अभी हुआ नहीं है, ठीक है, टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है, टिश्यू तो होते ही नहीं है एल्गी में, सेल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल सेल वाला ये है ही नहीं, ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है, सो आंसर इज दिस डी। देखो ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाओगे, बट अब आपको पता भी है कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आया था और इसका ऐसा क्वेश्चन है और इसके लॉजिक ये है कि बिगिनिंग ऑफ रूट हैबिट, रूट जैसी शुरुआत आपको यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलती है, क्योंकि उसके निचले वाले जो सेल होते हैं, जो जमीन से चिपकने वाले सेल होते हैं, वो कलरलेस होते हैं। आर यू श्योर, समझ गए? यस सर। ओके, नाउ अगार इज कॉमर्शियली ऑब्टेंड फ्रॉम, ये बहुत आसान है बच्चों, एगार किससे मिलता है? जेलिडियम एंड ग्रैसिलेरिया, बराबर बेटा, वो कौन से एल्गी है रे? रेड एल्गी, रेड एल्गी, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट,
इन क्लोरोफाइसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय, अब भी देखो आपको पता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी में कैसे होता है, बताओ। ऑप्शन बी सर, ऑल थ्री। ऑब्वियसली ऑल द बीज, करेक्ट, बिल्कुल सही है। आइसोगैमी, अनआइसोगैमी, यूगैमी, तीनों चीजें बेटा आपको क्लोरोफाइसी में देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान। नेक्स्ट, यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली बेटा यहाँ पे एक्चुअली समझने वाली बात यह है कि जो एल्गी होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की एबिलिटी होती नहीं है। बाकी जो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, जैसे कि नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर, एनाबेना, इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की एबिलिटी होती है। तो कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन वाला आंसर है सी। ठीक है, करेक्ट है ना। नेक्स्ट वन, नाउ देखो अब इसका आंसर आप बता सकते हो क्या। इन यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स एट द टाइम ऑफ, मतलब मियोसिस कब होता है स्पायरोगायरा में या यूलोथ्रिक्स में, बताओ। ये बहुत बढ़िया, मैंने बहुत देर तक आपको समझाया है, बताओ इसका आंसर क्या दोगे आप। क्लास में ये क्वेश्चन मैंने लिया है, मतलब इसको एक्सप्लेन किया है, बताओ कितने प्रकार के मियोसिस होते, बताओ आप। मैंने कितने टाइप बताए, तीन टाइप ना। यस सर। कौन कौन से टाइप है, कौन से तीन टाइप है? हाँ, गैमेटोजेनिक मियोसिस, एक और टाइप बताओ। स्पोरोजेनेटिक, स्पोरिक मियोसिस, और एक टाइप बताओ। और एक बताओ, दो हो गए, और एक बताओ। जायगोटिक मियोसिस, जायगोटिक मियोसिस है ना। जायगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस और गैमेटोजेनिक मियोसिस। तो जिनमें हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होता है उनमें कौन सा मियोसिस होता है? हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में कौन सा मियोसिस होता है? बेटा हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में कौन सा मियोसिस होता है? Zygotic, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो आंसर बताओ, रिडक्शन डिवीजन यहाँ पे कौन से टाइम पे होगा? 1993 का क्वेश्चन है, आप आराम से आंसर दे सकते हो। इसीलिए हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि कैसा है टेस्ट है ना, एक चैप्टर को जब तक हम सही से नहीं कर लेते हैं अब आगे आगे भागने में कोई मतलब नहीं है, उससे रिजल्ट आता नहीं। अब जबकि मैंने ये आपको पढ़ाया है और आप सबकी एक बढ़िया पॉजिटिविटी है कि आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है, ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला था, क्या बताया था, ये भी आपके पास रिकॉर्डेड है, आप कभी भी देख सकते हो, बोल के बराबर है। नोट्स भी दिए हैं इसके, तो अगर आपके पास सब कुछ है तो अगर आप ये चीज नहीं जानते हो या इतना सोच रहे हो तो कैसे होगा। इन यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा व्हिच टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल इज देयर, द आंसर इज हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में मियोसिस कब होता है? आंसर है जब जायगोट डिवाइड होगा, ठीक है, जायगोट। अभी जायगोट से सिमिलर वर्ड यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेट्स फाइंड आउट। जायगोट में मियोसिस होगा, जायगोट में मियोसिस होगा, तो लेट्स फाइंड आउट द सिमिलर टर्म। गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस होता है, वो गैमेटोजेनिक मियोसिस होता है, वो ये है नहीं, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई संबंध है नहीं, तो ए और डी गया, बचे बी और सी। नाउ देखो आपको ये याद रखना है, मैंने ये आपको बताया भी था कि जायगोट जो होते हैं वो जब ठीक कोटिंग बना लेते हैं तब उनको हम लोग बोलते हैं जायगोस्पोर। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? जायगोस्पोर, ठीक है। जायगोट ही जायगोस्पोर है, ये बात को पहले समझो। तो आंसर होता है कि जायगोस्पोर का जब जर्मिनेशन होगा, मतलब जब वो ठीक है
जर्मिनेट होना चाहता है, नया ऑर्गेनिज्म बनाना चाहता है, तब वो है ना हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड जनरेशन लाना चाहता है तो मियोसिस करेगा। सो आंसर इज सी, इज इट क्लियर। ज़ूस्पोर ये हमेशा असेक्सुअल स्पोर होता है, ज़ूस्पोर ये एसेक्सुअल स्पोर होता है। मैंने ये बताया था आपको कि ज़ूस्पोर भी बनते हैं, बट ज़ूस्पोर असेक्सुअल स्पोर होते हैं। तो बेटा डेफिनेटली जहां असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां मियोसिस होता नहीं है, ठीक है। मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जायगोट से बनने में, गैमेट बनाने में, जायगोट के जर्मिनेशन में ही बेटा मियोसिस यूज होता है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। यस, क्वेश्चन क्लियर है बेटा? यस यस सर। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ बताओ, यहाँ पे आते हैं, देखो ये मिटा दिया मैंने, ओके ये मिटा दिया, ओके सॉल्व द क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 25, इन यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स एट द टाइम ऑफ, ऑप्शन ए गैमेट फॉर्मेशन, बी ज़ूस्पोर फॉर्मेशन, सी ज़ाइगोस्पोर जर्मिनेशन, डी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बताओ आंसर क्या होगा। ज़ाइगोस्पोर नहीं, यस यही गलती आप करते हो। हमें करना क्या है सर, ए गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो सकता, बी ज़ूस्पोर फॉर्मेशन नहीं हो सकता, डी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये सोचना है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको बार बार करने हैं ताकि आपके दिमाग में रहे, अच्छा गैमेट फॉर्मेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि गैमेटोजेनिक मियोसिस जब भी होगा तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, डिप्लॉन्टिक, तो यहाँ तो डिप्लॉन्टिक है नहीं यूरोथ्रिक्स में, स्पायर वगैरह में, दैट्स इट, दैट इज व्हाट द पॉइंट, करेक्ट है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लैमाइडोमोनास ईट्स, अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लैमाइडोमोनास का क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, अच्छा क्लैमाइडोमोनास कैसा होता है बता दो पहले, ऐसा होता है, ये स्ट्रक्चर है आपके एनसीईआरटी में, है ना, एक यूनिसेलुलर है क्लैमाइडोमोनास और उसके अंदर ऐसा आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर भी दिखाया था आपको, है ना, और उसके अंदर का पायरानॉइड भी दिखाया था यार क्लैमाइडोमोनास के अंदर का, तो इट इज विच शेप, कौन सा शेप है बताओ, प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेशन इन स्पायरोगायरा और फर्टिलाइजेशन ऑफ क्लैमाइडोमोनासीस। देखो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंजुगेशन का। नाउ व्हाट इज कंजुगेशन, यहाँ आते हैं, देखो ये है एक स्पायरोगायरा का फिलामेंट, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ठीक है। अब होता क्या है, ये वाला सेल हैप्लोइड है, सभी सेल हैप्लोइड है उसके, ये सब हैप्लोइड है, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, ये वाला सेल जो है डोनर बन जाता है और इनके बीच में ऐसा ट्यूब बनता है, ये न्यूक्लियस इधर भेजेगा, ट्रांसफर करेगा, तो बनेगा क्या, एन वाला जो हैप्लोइड न्यूक्लियस आएगा, इधर वाला एन वाले हैप्लोइड न्यूक्लियस का फ्यूज हो जाएगा, 2n जायगोट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन आपको स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि स्पायरोगायरा डू नॉट हैव मोटाइल गैमेट, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसको, वही के वही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है विद इन अ सेम फिलामेंट। कभी कभी स्पायरोगायरा इस तरह का देखो कंजुगेशन करते हैं, देख लो ये बहुत आसान है, ये दो फिलामेंट है स्पायरोगायरा के, अभी मान लेते हैं ये वाला सेल इसका और ये वाला सेल इसका, एक प्लस स्ट्रेन है एक माइनस स्ट्रेन है, ठीक है। इनके बीच में कंजुगेशन ट्यूब बनता है, ये वाला रेड कलर का न्यूक्लियस हाफ हैप्लॉइड इधर चला जाएगा, एन था इसका, एन था इसका, एन था, यहाँ पे बन जाएगा 2n जायगोट, इसी को भी कंजुगेशन कहते हैं, दोनों भी कंजुगेशन है, कंजुगेशन इन द सेम फिलामेंट, कंजुगेशन बिटवीन द टू फिलामेंट्स, ठीक है। ये दोनों चीजें बेटा आपको स्पायरोगायरा में देखने को मिलती है, ओके। अगर इसका अंडरस्टैंडिंग आपको आ चुका है तो नाउ गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The product of conjugation in spirogyra or fertilization of chlamydomonas. अगर fertilization होगा
या कंजुगेशन होगा तो क्या मिलेगा? ऑब्वियसली जायगोट मिलेगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा यार, जायगोस्पोर, खत्म बात। करेक्ट है, आसान है। जूस्पोर इज असेक्सुअल स्पोर। ऊस्पोर कहाँ मिलता है? ओमाइसिटस में ऊस्पोर मिलता है, फंगस में। कार्पोस्पोर क्या होता है बेटा? कार्पोस्पोर ऑब्वियसली अगेन यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है यार, कार्पोस्पोर रेड एल्गी में बनते हैं। क्लियर बेटा? डन? यस सर। यस। अच्छा हाँ। नाउ द कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लैमाइडोमोनास क्या होगा बताओ? क्लैमाइडोमोनास में कॉमनली क्या होता होगा? क्योंकि वो ग्रीन एल्गी है। बराबर, बिल्कुल सही। उनमें आइसोगैमस कंडीशन देखने को मिलती है। आसान, बहुत आसान। होलोगैमस क्या होता है कंडीशन? आइसो अनआइसोगैमी ओगैमस मैंने बताया, होलोगैमस क्या होता है? होलोगैमस में दो सेल होते हैं, दोनों सेल एक दूसरे से पूरी तरह से फ्यूज हो जाते हैं कंप्लीटली। सपोज ये क्लैमाइडोमोनास का सेल है, ये क्लैमाइडोमोनास का सेल है, दोनों सेल जो है एक दूसरे से कंप्लीटली फ्यूज हो जाते हैं, इसको हम लोग होलोगैमी बोलते हैं। जब भी पूरा का पूरा एंटायर ऑर्गेनिज्म है ना एक दूसरे में फ्यूज हो जाए, तो ये भी आपको क्लैमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। बट ये एक टाइप है आइसोगैमी का, इसीलिए आइसोगैमी इज द मेन इंपॉर्टेंट टाइप। ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों? फास्ट तो नहीं हो रहा है? सर क्लैमाइडोमोनास में तीनों भी दिखाई देते हैं ना? हाँ, बट यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने? कॉमन मोड है ना? यस सर। हाँ, यही तो इम्पोर्टेंट। ठीक है, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इन क्लैमाइडोमोनास इज अगेन वही बात है बेटा। वही बात है। नहीं नहीं नहीं, fusion of two cells in Chlamydomonas, sexual reproduction involving fusion of two cells in Chlamydomonas is, बताओ ना, isogamy, homogamy, somatogamy, hologamy। देखो somatogamy आपने कहाँ पढ़ा है यार, बताओ somatogamy कहाँ पढ़ा आपने? अरे somatogamy in the fungi, fungi में, Basidiomycetes में आपको है ना somatogamy देखने को मिलती है। बराबर, पढ़ा भी है दो माइसिलियम फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे से। यस और नो? नो नहीं सर, मतलब ये नाम नहीं पढ़ा सोमेटो। सोमेटोगैमी तो बोलता है वो बेटा उसको, सोमेटोगैमी फंगस में होता है, बैसिडियोमाइसिटिस में होता है, एस्कोमाइसिटिस में होता है, क्योंकि उनमें उनका जो कंप्लीट फिलामेंट्स होते हैं दोनों, फिलामेंट्स एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं उसी को, क्योंकि वो पूरी सोमा, सोमा मतलब बॉडी, पूरी एंटायर बॉडी एक दूसरे से फ्यूज हो जाती है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं सोमैटोगैमी, या उसके सोमैटिक सेल फ्यूज होते हैं तो इसीलिए हम इसको कहते हैं बेटा सोमैटोगैमी। आई होप इट इज क्लियर। यस। बट ये आपको देखने को मिलेगा ब्रायोफाइट, सॉरी बैसिडियोमाइसिटिस एंड एस्कोमाइसिटिस के केस में। क्लियर है? यस यस। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगेन बेटा, यहाँ पे जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल आपको ये समझ में आना चाहिए कि दोनों समय में हमें आंसर आइसोगैमी ही लिखना है, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ टू सेल्स। अब यहाँ पे क्या है कि दो सेल्स का फ्यूजन हो रहा है, ये होलोगैमस कंडीशन जरूर है। ठीक है, बट देखो आइसोगैमी का ही टाइप है, मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, इसीलिए आंसर हमें दोनों समय में आइसोगैमी ही लिखना है, यहाँ पे भी आइसोगैमी। डन? नाउ यहाँ पे देखो फिर से एक बार क्वेश्चन है, अभी बताओ आप इमेजिन करो ये क्वेश्चन आया था कब का क्वेश्चन है, 1993। नाउ ये देखो, ये क्वेश्चन देखो बच्चों, 2017। ठीक है, zygotic meiosis is a characteristic of, बताओ फ्यूकस फ्यूनारिया क्लैमाइडोमोनास मर्केंशिया, बताओ किसका zygotic meiosis characteristic feature होगा, बताओ जिसका life cycle कैसा होगा, बताओ haplontic। अच्छा, इन चारों में से haplontic life cycle किसका है,
हु इज शोइंग द हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल? फ्यूनारिया एक ब्रायोफाइट है, मर्क्यांसिया एक ब्रायोफाइट है, तो इन दोनों का लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लोइडिक होता है, इसलिए ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। फ्यूकस, हाँ फ्यूकस का लाइफ साइकिल कैसा होता है बताओ? डिप्लोंटिक। हाँ डिप्लोंटिक, इसीलिए ये एल्गी है बट एक्सेप्शन है। तो आंसर क्या होगा अपना? क्लैमाइडोमोनास। आसान है, बहुत बढ़िया। नाउ अब आप बताओ लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर, बताओ अभी आंसर। बी ऑप्शन, बी होगा बिल्कुल। एक्टोकार्पस एल्गी है बट उसमें डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल होता है, और फ्यूकस एल्गी है बट उसमें डिप्लोंटिक। तो आंसर बी है, ये हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? अब ये बताओ आप, ये सोच के बताओ क्या हो सकता है, सोच के आंसर दो, एलिमिनेशन से ही आंसर आएगा। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है वो, एलिमिनेशन से आंसर आएगा। सारे ऑप्शन को सोचो। ये सॉफ्ट कॉपी मैंने आप सबको भेजी है क्या बच्चों? यस सर। ये क्वेश्चन भेजे क्या मैंने, है ना, सबको भेजा? तो जितने क्वेश्चन होंगे अभी ठीक है, नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार करो, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और ये जितनी बार आप क्वेश्चन करोगे उतना आपका एनसीईआरटी रीडिंग बहुत अच्छा होगा। एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना ये क्वेश्चन करने के बाद में, तो आप बिल्कुल दिमाग आपका खुला रख करके पढ़ोगे, अच्छा ये पूछा है ऐसा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? ऑप्शन डी को बताओ करेक्ट है कि रॉन्ग है। ऑप्शन डी, आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, रॉन्ग है कि करेक्ट है बोलो, कुछ तो बोलो। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। आर्किगोनिया क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। ब्रायोफाइट के फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया ही कहते हैं, टेरिडोफाइट के फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया ही कहते हैं, जिम्नोस्पर्म के फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया ही कहते हैं। तो डी तो करेक्ट है, यस और नो? यस सर। So D is correct. So answer for this question is, okay. ये जो question है बच्चों, इसका answer तो D नहीं है, क्योंकि ये wrong नहीं है, ये सही है। चलो option C के बारे में बताओ। Brown algae have chlorophyll A, C and phycoxanthin. Correct है क्या ये? बिल्कुल सही है यार। तो ये तो हमारा answer नहीं है, बचे दो ही। अच्छा बताओ, haploid एंडोस्पर्म इज अ टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये सही है क्या? अभी लास्ट क्लास में ही पढ़ा है यार ये, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है? हैप्लोइड। सो आंसर दिस इज करेक्ट। तो ये तो अभी एक ही बचा, म्यूकर हैज अ बायफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ठीक है, वहां पे बायफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स नहीं बनते म्यूकर में, ठीक है, ए प्लैनोस्पोर्स बनते हैं, इसीलिए आंसर जो है बेटा ए है, क्योंकि ये रॉन्ग है, ठीक है। नाउ दैट इज व्हाट द पॉइंट। अब म्यूकर एक्चुअली देखो ये फंगस में आता है, फंजाय का पॉइंट है कि नहीं? So this is the part of what the fungus, है कि नहीं? Yes. So mucus, हाँ, तो ये normal point है, बहुत ही simple है, mucus has a biflagellated zoospore, correct है? तो बहुत ही normal है ना, यहाँ पे देखो ये हमारा answer हो गया A, ठीक। Next one, अब ये इसका answer आप दे पाओगे। Which of the following is responsible for the peat formation? Bog peat के बारे में बताया था, water holding capacity के बारे में बताया था, bryophytes, sphagnum,
बिल्कुल सही बच्चा, स्पैग्नम है ना। ठीक है, ये सारे ब्रायोफाइट, मार्केंशिया, रिक्शिया, फिनारिया, ये सब। अच्छा नाउ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ द मॉसेस। बताओ आंसर क्या हो सकता है। Which one of the following is common to multicellular fungi, filamentous algae and protonema of mosses? कौन बताएगा आंसर? बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, बस एलिमिनेशन से आंसर आ जाएगा। देखो एक है फंजा है, एक है एल्गी और एक है मॉस। प्रायोफाइट, अल्गी और फंजा है। ऑप्शन डी के बारे में सोचो, मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। ऑप्शन सी के बारे में सोचो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंगस तो सेप्रोफिटिक होते हैं और एल्गी और ब्रायोफाइट है ना ऑटोट्रॉफिक है, तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं है, कॉमन तो है नहीं उनके बीच में, करेक्ट है ना। खाना खाने का स्टाइल तो अलग है सबका, तो हो गया एक तो चला गया। ऑप्शन बी के बारे में सोचो, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी। अगेन बेटा रॉन्ग है, क्योंकि फंजाई जो होते हैं वो किंगडम प्लांटी में आते नहीं है, तो बेटा ये भी गलत है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बेटा यहाँ पे यार एल्गी तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, फंजाई भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, मॉसेस बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कोई भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो नहीं करता, गया। बट बेटा देखो माइसेलियम फंगस का फिलामेंटस होता है, एल्गी फिलामेंटस होते हैं, प्रोटोनेमा जो है मॉसेस का ये भी बेटा ऐसा फिलामेंटस होता है, तो इन सब में अगर फ्रैगमेंट्स बने तो नया प्लांट बन सकता है, तो यही जो है ये नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो इस चक्कर में हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है, मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैगमेंटेशन, ये आंसर तीनों के लिए सुटेबल है। इज इट क्लियर? समझ रहे हो ना? ये बहुत आसान है, बट एलिमिनेशन करना आपको डेफिनेटली आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस ना। अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो आप क्या नहीं कुछ नहीं जानते। यहाँ स्ट्रक्चर दिया है, एग्जामाइन द फिगर गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द राइट ऑप्शन गिवन ऑन द ए बी सी एंड डी करेक्टली आइडेंटिफाइड। बताओ क्या होगा, ए क्या है पहले तो बताओ, ये कौन सा प्लांट है? मार्केंशिया, बिल्कुल सही। अच्छा अगर ये मार्केंशिया है तो प्यारे बच्चों इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो क्या है, जैसे कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। ये देखो ये फीमेल प्रोथेलस है, मैंने बताया था इसको कैसे पहचानना है, ठीक है, ये प्रॉपर अरेंज है तो ये फीमेल प्लांट है। तो ये क्या है बेटा, आर्किगोनियोफोर। बी क्या है, फीमेल थैलस। सी क्या है, कप है बेटा, गेमी कप। और डी क्या है, राइजोइड्स। तो हो गया ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, बाकी भी ऑप्शन दिए गए हैं, बट व्हाट टू वेस्ट द टाइम ऑन दिस सच इजी क्वेश्चन। बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये बात को समझो, डायग्राम वाले, ठीक है, तो इसके बारे में हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। राइट नाउ ये बताओ, ये क्वेश्चन, आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन, आर्किगोनियोफोर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अभी क्वेश्चन वो वाला देखो, ये 2011 का मेन पेपर का, और ये देखो तो आंसर अगेन वही है, मार्केंशिया है ना। नाउ देखो ये वाला एक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ये एक्चुअली इस टॉपिक से रिलेटेड है ही नहीं। उन्होंने पूछा है, सम हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक हैबिटेट बिलोंग्स टू द टू ग्रुप्स, कौन से ग्रुप में रहेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही हाईली गर्मी जगह पे और बहुत ज्यादा एसिडिटी जहां पे होती वहां सरवाइव कर सकते हैं, ऐसा कौन है? एक्चुअली ऐसा ये है, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, बट कुछ यू बैक्टीरिया भी इसका ऐसा शो करते हैं, सो आंसर इज ए ओनली, ठीक है। बाकी सब में इतना बेटा है ना पोटेंशियल नहीं है कि वो इतने हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में रह सके, सो ये है यू बैक्टीरिया एंड आर्किया। नेक्स्ट 39 बच्चा, स्पोर डिसेमिनेशन इन सम लिवर वर्ड्स इज एडेड बाय, बताओ। अब ये स्पोर डिसेमिनेशन जो होता है, ठीक है, स्पोर का डिस्पर्सल होता है लिवर वर्ड्स में, कौन से सेल्स इसमें से मदद करते हैं? इंडूशियम, कैलिप्ट्रा, पेरिस्टोमटिथियाई लेटर्स। ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको पढ़ाते वक्त ही, मैंने
क्या आंसर होगा बताओ? इलेटर्स। इलेटर्स बिल्कुल सही जवाब है, इलेटर्स इज द करेक्ट आंसर। पेरिस्टोमियल टिप्स कहाँ पे होते हैं? मॉसेस में होते हैं। कैलिप्ट्रा क्या है ये भी मैंने आपको बताया था, कैलिप्ट्रा का मतलब क्या है? स्पोरोफाइट जिस आर्किगोनिया में डेवलप होते हैं, आर्किगोनिया के जो वॉल है विंटर नेक उससे जो प्रोटेक्टिव लेयर बनती है उसी को कैलिप्ट्रा कहते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों। इंडूशियम किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। टेरिडोफाइट्स में हम लोग स्पोर जो होते हैं सोरस उनके ऊपर जो कोटिंग होती है स्पोरेंजिया की कोटिंग, ठीक है, उसको हम इंडूशियम बोलते हैं इन टेरिडोफाइट, ठीक है। सो अभी आता है ये डी आंसर इलेटर्स। नाउ इन ए मास द स्पोरोफाइट, बताओ ये बहुत आसान है यार, बोलो क्या आंसर होगा? मास में स्पोरोफाइट कैसे होगा, क्या करेगा, आंसर दो। मॉस जो होता है ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट क्या करेगा? सर पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट। यस इट इज अ पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट, बट कैसा पैरासिटिक होता है? पार्शियली पैरासिटिक, ये मैंने पढ़ाया आपको, मैंने कहा था कि इनका जो स्पोरोफाइट है मॉसेस का वो थोड़ा सा ग्रीन होता है, उसमें स्टोमेटा भी होते हैं तो वो अपना खाना खुद बना लेता है, बट वाटर मिनरल के लिए गैमेटोफाइट के ऊपर निर्भर होता है, इसीलिए ये आपका आंसर सही है। इन ए मॉस द स्पोरोफाइट इज पार्शियली सेमी पैरासिटिक, ये टर्म मैंने आपको लिख के दिया है, सेमी पैरासिटिक इफ यू हैव गॉन थ्रू इट, ठीक है, इसको हम पार्शियली पैरासिटिक कहते हैं ऑन द गैमेटोफाइट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ ये देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि पीट मॉस है ना, बॉक पीट जिसको हम लोग कहते हैं, इज यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर द सेंडिंग फ्लावर्स एंड लाइव प्लांट्स टू डिस्टेंट प्लेसेस बिकॉज, तो मैंने आपको बताया था ट्रांसशिपमेंट के लिए है ना बॉक पीट को यूज करते थे पहले, ठीक है, क्यों यूज करते थे बताओ? बिकॉज दे हैव ग्रेट वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी, बराबर है ये बताया, ये एनसीईआरटी में भी लिखा है। अब उसी को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोप, बराबर। तो ये हो गया ए आंसर, ठीक है। नाउ अब ये तो बिल्कुल बता सकते हो क्योंकि ये मैंने खुद एक्सप्लेन भी किया आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपेगेट्स थ्रू द लीफ टिप, लीफ टिप से कौन प्रोपेगेट होता है? वॉकिंग फर्न। यस वॉकिंग फर्न, क्या नाम था उसका वॉकिंग फर्न का? उसका नाम है एडियंटम। क्या नाम है उसका? एडियंटम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा इज एन एडवांस फीचर बिकॉज इट शोज, क्या शो करता है ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दे पाओगे क्या? देखो पहले इलिमिनेट करो, क्या इलिमिनेट करोगे ये पहले बता दो मुझे, व्हाट यू विल इलिमिनेट फर्स्ट, कौन से ऑप्शन? अरे कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करोगे इतना तो बता ही सकते हो, स्पायरोगायरा डू नॉट हैव, बोलो मोटाइल ग्लैंड्स, तो फिर आप कौन से ऑप्शन डिलीट करोगे? बी बिल्कुल डिलीट होगा, बिल्कुल। अरे यहाँ पे देखो मोटाइल सेक्स ऑर्गन्स, तो ये देखो दोनों डिलीट हो गए, अब बचे दो ही ए और बी, ठीक है। बोल रहा है मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स और ए बोल रहा है फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन्स, बताओ क्या होगा? अच्छा स्पायरोगायरा में क्या होता है? आइसोगैमी अनआइसोगैमी उगैमी, क्या होता है स्पायरोगायरा में बताओ जल्दी? आइसोगैमी। इतना सोचते कि वो इतना आसान है, आई से कु बताया तो है, आई से कु है ना, आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ, कोई इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसा है वैसा ही है, ये इसमें कोई कैलकुलेशन थोड़ी कर रहे हैं, बस
यहाँ पे एक ही होता है, पता है या नहीं पता है, इतना ही है। सो इफ यू नो आइसोगैमी स्पायरो वगैरह आइसोगैमी शो करता है, तो बेटा क्या मॉर्फोलॉजिकली सेक्स ऑर्गन सेम होंगे, गैमेट सेम होंगे? नहीं होंगे, मॉर्फोलॉजिकली दे विल बी डिफरेंट, करेक्ट है क्या कि सेम होंगे? आंसर इज ऑब्वियसली दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। तो यहाँ पे लिखा है मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, तो यहाँ पे ये गया, ऑप्शन डी इज गॉन। फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है यार, ये एक साइज का है, सेम साइज के, बट एक को मैं प्लस बोलूंगा, एक को माइनस बोलूंगा, एक को डोनर एक को रेसिपिएंट बोलूंगा, क्योंकि दोनों अपना अपना अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, एक डोनर वाला काम कर रहा है, एक रेसिपिएंट वाला काम कर रहा है, तो फिजियोलॉजिकली फंक्शनली दे आर डिफरेंट ऑर्गन सेक्स ऑर्गन्स, बट मॉर्फोलॉजिकली दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम, ठीक है। सो ये है आपका आंसर ए, बट इसके लिए एलिमिनेशन ही आपको काम आएगा और आपका थोड़ा सा नॉलेज। यस, समझ रहे हो आप कैसे आंसर देने हैं? यस सर, यही तो टेक्निक बता रहा हूं मैं, यहाँ हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे, यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मैं कैसे आंसर तक पहुंच रहा हूँ, देख लो। यस और नो, हाउ आई एम रीचिंग अप टू द परफेक्ट आंसर बाय यूजिंग माय स्मॉल, जो भी मुझे पता है उसके बेसिस पे, है ना। नाउ सी The antherozoid of the funaria are, अब आप बताओ funaria मतलब कोने में bryophyte है, और आपने पढ़ा है bryophyte में comma shaped biflagellated होता है, बराबर है। अब ढूंढो यार यहाँ पे क्या आंसर होगा, flagellated, बिल्कुल ये है आंसर, बाकी ये oscillated तो होता नहीं है, mono मतलब सिंगल वाला नहीं होता, multi बहुत सारे भी नहीं होते, तो यही है, done। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट कंपराइज, चलो अभी बताओ, ये तो आसान है, आसान है, ब्रायोफाइट में क्या चीज होती है बताओ, सर? सी, सी, सी क्या है? डोमिनेंट फेज ऑफ गैमेटोफाइट विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स। बेटा देखो गैमेटोफाइट कभी भी स्पोर प्रोड्यूस नहीं करता, गया यार ये, एलिमिनेट करो इसको। गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? गैमेट। स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर। ये सिंपल बेसिक चीज मैंने बहुत बार बताई है आपको क्लास में, इसको मिस मत। सॉरी सर, डी, 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 स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट, बिल्कुल बेटा ये सुटेबल है, ये इलिमिनेट करो। कैसे? डोमिनेंट फेज ऑफ स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट नहीं होता, गया। स्पोरोफाइट लॉन्गर ड्यूरेशन, गया, बचा एक ही, डी, बिल्कुल सही आंसर, डी इज करेक्ट, पक्का, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट द ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के बारे में क्या सही चीज है? ए बी सी डी बताओ। What is correct about the bryophytes? आसान है। What is correct about the bryophytes? They possess archegonia? Yes, they possess archegonia. उनके पास archegonia होता है। They contain chlorophyll. और क्या? All of these is the correct answer. Next one. Bryophytes are dependent on water because, बहुत आसान है ये, देखो उनको तो बिना वाटर के फर्टिलाइजेशन उनका हो नहीं सकता, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, ए ऑप्शन है, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर देयर होमोस्पोरस नेचर। देखो होमोस्पोरस का क्या मतलब है ना, वो हेटरोस्पोरस होते तब भी अगर उनको पानी चाहिए होता तो हम लोग बात करते थे। वाटर इज एसेंशियल फॉर देयर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है उसमें वाटर की जरूरत होती नहीं है, ठीक है, तो ये है गया, बी तो गया। वेजिटेटिव मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई संबंध है नहीं बेटा यहाँ पे, है ना। द स्पर्म कैन ईजिली रीच अप टू एग इन द आर्किगोनियम, आर्किगोनियम हैज टू रिमेन फिल्ड विद द वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। देखो आर्किगोनियम में पानी भर के रहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, उसमें पानी भर के रहने की क्या जरूरत है।
ठीक है, सो बी और डी तो गया, बचा ए और सी, बताओ कौन सा आंसर होगा। सी। बिल्कुल सी इज द आंसर, क्योंकि उनको तैर के जाना है एक तक, आर्किगोनिया तक पहुंचना है। ठीक है, होमोस्पोरस नेचर का कोई संबंध नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो ये होते हैं मेल गैमेट वो फ्लैजेलेटेड होते हैं, इसीलिए उनको पानी की जरूरत है तैर के जाने के लिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं। ठीक है, सो ये है हमारा सी जवाब। नेक्स्ट, अब बताओ ये बताओ, ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे, एल्गी और ब्रायोफाइट में क्या डिफरेंस है, या क्या सिमिलैरिटीज नहीं, मतलब डिफरेंस सिमिलैरिटीज नहीं है। देखो आर्थोलाइट फॉर्म्स, ठीक है, ये दोनों ही थैलॉइड हो सकते हैं, हैव नो कंडक्टिंग टिश्यू, बिल्कुल सही यार, उन दोनों में कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होता, जाइलम फ्लोएम नहीं होता, पर्सिस्ट आर्किगोनिया विद आउटर लेयर ऑफ द स्टराइल सेल्स, कंटेन क्लोरोप्लास्ट इन देयर सेल्स, तो ऑब्वियसली दोनों में ही बेटा, देखो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही, मतलब दोनों में थैलॉइड होता है, दोनों में कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होता, दोनों ही में क्लोरोप्लास्ट होता है, बट ब्रायोफाइट्स में आर्किगोनिया होता है विद द आउटर जैकेट। मैंने आपको बताया था अल्गी के सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर जैकेट लेस होते, बराबर है? यस सर। ब्रायोफाइट के होते हैं मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, तो यही तो बात ये बोल रहा है ऑप्शन सी, तो सी इज द आंसर। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, बात क्लियर? नाउ टेल द, ओके ये वाला क्वेश्चन बताओ, इन विच वन ऑफ दीज द लेटर्स आर प्रेजेंट अलोंग विद द मैच्योर स्पोर्स इन द कैप्सूल। बहुत आसान है ये आपके लिए, बहुत इजी है, रिजेक्ट करो, पहले रिजेक्ट करो, इलेटर्स कहाँ पे नहीं मिलेंगे ऐसा उन्होंने पूछा, तो आप क्या जवाब दोगे, मतलब किससे, देखो यार रिजेक्ट करो, किसमें नहीं होगा, स्पैग्नम एंड मार्कंज, स्पैग्नम में, क्योंकि पेरिस्टोमल टीथ होते हैं, यहाँ पे इलेटर्स नहीं होंगे, यहाँ पे पेरिस्टोमल, यहाँ पे नहीं होंगे, अब आता है रिक्शा मर्केंज, याद रखना सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट जो है रिक्शा में पाया जाता है, एक ऐसा स्पेरिकल होता है, इसमें कुछ इलेटर्स नहीं होते, कुछ नहीं होते, साधारण सा होता है बेटा, छोटा सा स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, डायरेक्ट जमीन से उसका कॉन्टेक्ट आता है, इसलिए इसमें भी इलेटर्स नहीं होते, ये सारा ड्रामा तो इसका है, इलेटर्स का, मर्केंशिया का। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट हैज द मोस्ट सिंपल स्पोरोफाइट, बताओ किसका क्या आंसर होगा। रिक्शा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, सही है, आप देखो हमेशा मैं इलिमिनेशन कर रहा हूँ, हमेशा यार, हर बार मैंने अपना नॉलेज, हाँ रिक्शा क्यों ना, अरे सिंपल होता है यार, उसमें कुछ नहीं रहता, इतना कोटेड कवरिंग्स नहीं होते, तो है ना, वैसे भी ड्राई होके डिस्पर्स हो जाता है। नेक्स्ट वन, द प्लांट बॉडी ऑफ द मॉस इज, बताओ मॉस की प्लांट बॉडी कैसी होती है, मॉस है फ्यूनारिया कैसी होती है, क्या वो कंप्लीटली स्पोरोफाइट होता है, या कंप्लीटली गैमेटोफाइट होता है, या प्रीडोमिनेंटली स्पोरोफाइट। सर डी। डी, प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट विद दिस स्पोरोफाइट, बिल्कुल सही है, ये ब्रायोफाइट की खासियत है यार, स्पेशलिटी है ये, है ना, उन्होंने इसका टेंडर ले लिया है। चलो नेक्स्ट, ये देखो, ये तो आप बता पाओगे, यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट इज, उनमें यूनिक क्या है, व्हाट इज यूनिक इन द ब्रायोफाइट, प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोर तो सभी फोर प्रोड्यूस करते हैं, फंगस भी करते हैं, प्लांट तो एल्गी तो करता ही है, टेरिडोफाइट भी करता है, जिम्नोस्पर्म भी स्पोर प्रोड्यूस करता है, माइक्रो ओमेगा स्पोर, बराबर, स्पोर सभी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए यूनिक है क्या ये, नहीं है, बताओ फिर आंसर क्या है, एक तो इलिमिनेट मैंने करा दिया, बाकी आप बताओ। बी, हैव स्पोरोफाइट अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट, यही यूनिक है उनमें, बाकी कुछ नहीं, लैक रूट्स हो गए, बाकी बॉस में लैक रूट होता है, लैक वैस्कुलर टिश्यू सब में, है ना, एल्गी भी लैक होते हैं, सो ऑब्वियसली बेटा स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर अटैच होना, ये एक चीज आपको सिर्फ ब्रायोफाइट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, प्रोटोनेमा ऑकर्स इन द लाइफ साइकिल, आप बता सकते हो प्रोटोनेमा ये कहाँ पे पाया जाता है, किसके लाइफ साइकिल में प्रोटोनेमा देखने, मॉसेस में, और इसमें मॉस कौन है,
फिनेरिया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो फिनेरिया ही बेटा मॉस है। सो प्रोटोनेमा ऑकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ द फिनेरिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप देखो कैसा ऑप्शन डाल दियो है, सोमेटोगेमी। फिर से बताओ, सोमेटोगेमी कहाँ देखने को मिलती है हमको? अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, सोमेटोगेमी कहाँ देखने को मिलती है बच्चों? मेरी तो सोमेटोगेमी, सोमेटोगेमी, अरे सोमोसा, सोमेटो, बताओ सर। सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक सेल्स, अरे सोमेटोगेमी, दो माइसेलियम क्यूज होते हैं इन बैसिडियोमाइसिटिस एज वेल एज इन द एस्कोमाइसिटिस, आपको ये सोमेटोगेमी देखने को मिलती है। अभी तो बताया था, और आप देखो यार ये दो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दो बार आया प्रोटोनिमा वाला। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस बिकॉज, बताओ एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं उनको? They require, what they require? Water. Water, है ना, layer of water for carrying out sexual reproduction. इसीलिए बेटा उनको हम लोग कहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। Now देखो, apophysis in the capsule of funaria is, apophysis याद है आपको? मैंने बनाया था डायग्राम, ऊपर होता है operculum, बीच में होता है थिक्का, नीचे होता है एपोफाइसिस, ये ग्रीन होता है ना एपोफाइसिस, ठीक है? यहाँ होता है कॉल्यूमेला, बराबर, यहाँ होते हैं दांत, ठीक है, इफ यू रिमेम्बर। बताओ, आंसर तो दे दिया मैंने, एपोफाइसिस कौन सा पार्ट है? लोअर पार्ट, लोअर, लोअर पार्ट। फर्टाइल पार्ट कौन सा है? थिका। अपर पार्ट कौन सा है? ओपरकुलम, ठीक है, ओपर ऊपर, ठीक है, ऊपर कुलम, ऊपर पार्ट, अपर पार्ट, है ना, ऊपर अपर, आपने कभी नोटिस किया अपर इज ऊपर, है ना, हम लोग ऊपर बोलते हैं, वो अपर बोलते हैं, स्पेलिंग थोड़ा सा सेम सेम है। मूस पेरिस्टोम टेक्स पार्ट इन, देखो पेरिस्टोम के बारे में क्वेश्चन आ गया बेटा, किसमें मदद करेगा बताओ मूस पेरिस्टोम? इट्स टू इजी, अब भी तो बताया एलेटर्स और पेरिस्टोम, है ना, पेरिस्टोमियल टिथ, अरे बोलो ना, है? इसमें ना स्पोर डिस्पर्सल है कि नहीं? कॉन्फिडेंट हा या ना? हा हा ना, कुछ भी बोलो, आप ना बोलोगे तो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा ना, आगे बोलूंगा ना, आप कुछ भी नहीं है ऐसे एकदम सोच में पड़े रहोगे, तो अभी देखो चेहरे दिखते हैं नहीं, आपके आंखों में देख नहीं सकते, आंखों में देखना बहुत जरूरी होता है किसी भी टीचर को, उसको समझ में आता है, देख यार ये क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, कॉन्फिडेंट लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो पता चलता है, यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा, तो इसलिए आप बोलोगे तो ही समझ में आएगा मुझे, है ना, स्पोर डिस्पर्सल। सो देखो यार बिल्कुल सिंपल है, स्पर्म्स ऑफ बोथ, आसान से बोलो, स्पर्म्स ऑफ बोथ फ्यूनारिया एंड टेरिस रिलीज टूगेदर near the archegonia of the terrace, only its sperms enter the archegonia as, ऐसा क्यों हुआ? एक funaria, एक bryophyte है, terrace एक pteridophyte है, दोनों के sperm को हमने पानी में छोड़ दिया archegonia के पास, but सिर्फ terrace के ही sperm जो है, ठीक है, वहां पे enter करेंगे, ऐसा क्यों होगा बताओ? आसान है ये, तो ऐसा बहुत ज्यादा सोचने की कोई बात ही नहीं है, केमोटैक्टिक मूवमेंट है, केमिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, बराबर है? तो क्या होगा ऑप्शन डी, टेरिस आर्किगोनिया रिलीज केमिकल टू अट्रैक्ट इट्स स्पर्म्स, है ना, बाकी जो है फ्यूनारिया के स्पर्म भटक जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा पानी में पता नहीं कहां तोड़ तैरते रहेंगे, क्योंकि उनको सिग्नल ही नहीं पता है, जाना का ये नहीं पता, एम ही नहीं पता, ठीक है। तो ये हो गया बेटा ब्रायोफाइट्स के बारे में। ओके राइट, नाउ देखो फिर से यहाँ पे, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, मतलब ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, बताओ विंड, व्हाट, वॉटर, इजी है ना, अभी तो देखा हम लोगों ने, वाटर में ही मेल गैमेट जाता है यार, दोनों के
bryophyte or pteridophyte or same to same. Achcha. The plant body is a thalloid in thallus jaisi body aapko kahan dekhne ko milegi batao. Merkantia, बिल्कुल सही. देखो यहाँ सोचने वाले ये क्वेश्चन देखने में आसान है, बट इसमें सोचे क्या है. देखो फ्यूनारिया में लीफी स्टेज होती है, स्पैग्नम में भी. तो थैलॉइड का मतलब है थैलस, प्लेट जैसा चपटा. ठीक है, तो चपटा जो होता है इधर ही होगा. सेल्विनिया क्या है, कौन बताएगा व्हाट इज सेल्विनिया? सेल्विनिया के बारे में कुछ जानते हो आप लोग? पानी में तैरने वाला टेरिडोफाइट है यार, हेटेरोस्पोरस. सिलाजिनेला सेल्विनिया हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, बताया था कि नहीं? सिलाजिनेला सेल्विनिया, सेल्विनिया पानी पे तैरने वाला हाइड्रोफाइट है, टेरिडोफाइट है. द प्लांट बॉडी इज अ थैलॉइड इन मर्केंशिया, दैट्स इट, डन. अभी देखो आ गया यहाँ पे. सिलाजिनेला एंड सेल्विनिया आर कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द इवोल्यूशन ऑफ द सीड हैबिट. अब ये चीज मैंने बहुत देर तक आपको बताई है सीड हैबिट के बारे में, समझाया. अब आप आंसर दे दो यार, क्या होगा बता दो. ए बी सी डी चार ऑप्शन है, बोलो. मैं चुपचाप बैठता हूँ, आप आंसर दे दो. आपका आंसर आएगा तो ही बोलना, नहीं तो कुछ नहीं, आगे नहीं बढ़ाएंगे गाड़ी. बोलो. सर डी. सी डी ए बी सी डी, इतना तो मुझे भी आता है, उसके भी आगे आता है, जेड तक आता है. आई नो अप टू द जेड जी. देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है. एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइट. Embryo develops in female gametophyte, which is retained on the parent sporophyte. बिल्कुल सही है. यही वजह है जिसको मैंने बताया भी था आपको, है ना, कि female gametophyte जो है वो sporophyte के ऊपर कुछ देर के लिए develop होता है. ठीक है, तो seed बनने की habit भी यही है. Done. So obviously the answer is D. आसान है वैसे, कुछ मुश्किल है नहीं, है ना. ये सेम टू सेम स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, नॉर्मल आप पढ़ोगे आपको दिख ही जाएगा, ठीक है, सेम स्टेटमेंट. नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, बताओ. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव free living independent existence. Pteris. Obviously. यहाँ पे बड़ा आसान है. In which one of the following male and female gametophytes do not have free living independent existence? The answer for this question is, याद रखना pteridophyte में gametophyte भी independent होते हैं और sporophyte भी independent होते हैं, इसीलिए यहाँ पे pteridophyte का जवाब तो होगा नहीं. तो pteris is an pteridophyte, so it's not the answer. ठीक है, सारे bryophytes में gametophyte independent होते हैं, तो बेटा funaria is not the answer, polytrichum is not the answer. So what is the answer then? The answer is citrus. Gymnosperms or angiosperms में gametophyte का free living existence नहीं होता, they are trapped. So and do not have a free living independent existence of the gametophyte that occurs in the gymnosperm. So answer is citrus. Clear hai? Sir, could you repeat why we remove pteris? Because pteris is a pteridophyte. Pteridophyte mein both are independent. Gametophyte as well as pteridophyte. That means both are free living. No one is dependent on anyone. Yes, sir? Okay, sir. Yes, okay. Which one of the following is heterosporous? ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है. Salvinia. Exactly, बिल्कुल सही बेटा. Salvinia. Next one. In the prothallus. अभी देखो prothallus ये term तभी आएगा जब हम बात किसकी करेंगे, pteridophyte की. Whenever we talk about the pteridophyte, you get the term prothallus. ठीक है. So in the prothallus of the vascular cryptogam. The anthrozoites and egg mature at different time as a result.
अब क्या हो सकता है, थोड़ा लॉजिक लगाओ, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक बताओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। सादा लॉजिक, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड मे बी। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड। अब बच्चों सिंपल है ना रे, देखो कैसा है, देखो मेल और फीमेल उनके बीच में अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनका मैच्यूरेशन टाइम एक जैसा होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि देखो ऐसा हार्ट शेप बेटा प्रोथेलस होता है, बराबर है, और यहाँ पे बेटा एंथ्रिडिया आर्किगोनियोफोर, यहाँ पे आर्किगोनी, ये इसी एक ही प्लांट के ऊपर है। अब अगर ये मैच्योर एक साथ हुए तो यहाँ के स्पर्म जाएंगे, यहाँ मीट करेंगे, हो गया, एक ही प्लांट में होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, अपने खुद के ही खुद का ही मेल गैमेट, खुद के ही फीमेल गैमेट, ये एक ही प्लांट के ऊपर, एक ही थैलस के ऊपर हो जाएगा। बट अगर उनका मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट है तो बेटा वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने देगा क्या? नहीं होने देगा, प्रिवेंट करेगा। स्पर्म पहले मैच्योर हो गए तो पानी में रिलीज हो जाएंगे, किसी दूसरे थैलस के ऊपर जाएंगे, वहां पे जाएंगे अट्रैक्ट होकर, बराबर है, बट खुद के ही प्रोथैलस के जो आर्किगोनिया है वहां पे वो जाएंगे नहीं, तो ऑब्वियसली जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वो प्रिवेंट किया जाएगा। दैट्स इट, दैट इज द आंसर, करेक्ट है, सबको समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया, नाउ आगे चलते हैं। इन फर्न्स मियोसिस ऑकर्स व्हेन, अब ये बहुत आसान है आपके लिए, फर्न में मियोसिस कब होगा? स्पोर यस, जब स्पोर बनाए जाते हैं, स्पोर्स आर फॉर्म, ठीक है, सो दैट इज आवर आंसर, दैट्स इट। सी, जब स्पोर्स बनाए जाएंगे दैट इज स्पोरिक मियोसिस होगी इनमें, करेक्ट है, क्योंकि वो टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल रिलेटेड टू स्पोरिक मियोसिस, पॉइंट क्लियर है ना? नेक्स्ट वन, डाइकोटोमस ब्रांचिंग इज अ फाउंड इन, बताओ डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहां पे देखने को मिलती है? मैंने आपको बताया था, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, पहले तो इसको दो ब्रांचेस है, फिर यहाँ पे दो ब्रांचेस है, अब ये आगे बढ़ेगा तो इसको और दो ब्रांचेस, दो दो ब्रांचेस आते चले जाना, इसी को डायकोटोमस ब्रांचिंग बोलते हैं। नाउ व्हाट शुड बी योर आंसर? द आंसर इज मर्केंशिया, यस और नो? है ना, मर्केंशिया, यस सर। सो एनीवे आगे चलते हैं। The walking fern is so named because, अब आप बता सकते हो, ये तो मैंने बताया, the walking fern is so named because, क्यों उसको walking fern बोलते हैं? B, it propagates vegetatively by its leaf tips, बिल्कुल सही, the answer is perfect, ठीक है, correct है। Next one, multicellular branched rhizoids and leafy gametophyte are characteristic of, बताओ कहां पे मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजॉइड होते हैं? मॉसेस में, बिल्कुल, तो आंसर क्या होगा? सम ब्रायोफाइट, बिल्कुल बढ़िया, सम ब्रायोफाइट्स सही है, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट वन, द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर, The amphibians of plant kingdom are C, bryophytes with a simple internal organization, multicellular non-motile algae, unicellular, ये तो नहीं है, algae तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, pteridophyte भी नहीं है, bryophyte, ये खत्म बात, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट, pteridophytes differ from mosses, bryophytes in possessing, अब बताओ pteridophyte और mosses में क्या difference है? Well-developed vascular system, बिल्कुल सही बच्चा, ठीक है, well-developed vascular system होगा। देखो दोनों में ही आर्किगोनिया होता है,
दोनों में ही फ्लैजेलेटेड मेल गमीट मतलब स्पर्मेटोजॉइड, ये वर्ड देख लो आप लोग, स्पर्मेटोजॉइड मतलब ही मेल गमीट, ठीक है। देन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, दोनों में ही इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है, इसीलिए बी इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। नेक्स्ट, द प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो बट लैक्स वैस्कुलर टिश्यू एंड सीड्स इज डायोफाइटा। एक्सैक्टली, इनमें बेटा आपको वैस्कुलर टिश्यू नहीं रहेगा, लैक वैस्कुलर टिश्यू, बट वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और एम्ब्रियो भी प्रोड्यूस करते हैं, सो आंसर इज ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन फ्यूनारिया एंड सिलाजिनेला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन फ्यूनारिया एंड सिलाजिनेला। अब ये फ्यूनारिया कौन है, फ्यूनारिया ब्रायोफाइट है, सिलाजिनेला कौन है, टेरिडोफाइट है, तो क्या चीज डिफर करेगी, दोनों में एम्ब्रियो बनता है इसलिए ये आंसर नहीं है, दोनों में ही आर्किगोनिया होता है इसलिए ये भी आंसर नहीं। रूट्स, रूट्स दोनों में होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बेटा रूट्स ही है क्योंकि देखो फ्लैजेलेटेड स्पर्म्स तो दोनों में ही पाए जाते हैं, तो रूट्स ही है जो कि डिफर करते हैं, है ना, उनमें राइजोइड होते हैं यार फ्यूनारिया में, और सिलाजिनेला में रूट्स होते हैं, इसलिए आंसर होगा रूट्स नॉट कॉमन, करेक्ट है, बढ़िया है, चलो आगे चलते हैं। इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सिलाजिनेला इज, ये बहुत आप आराम से बता सकते हो, मतलब आपको पता ही है इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस, हाँ एग्जैक्टली, हेटरोस्पोरस नेचर, जिसकी वजह से क्या आएगा बेटा, सीड हैबिट, एक्चुअली उनका इवोल्यूशनरी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सिलाजिनेला का वो है सीड हैबिट, और वो होता ही इसीलिए ड्यू टू द हेटरोस्पोरी, मैंने ये बार बार बताया भी, आपके नोट्स में लिख भी दिया है कि हेटरोस्पोरी जरूरी है फॉर द सीड हैबिट, ठीक है, सो इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट यही चीज है। नेक्स्ट, Prothallus gives rise to fern plant without fertilization. It is, अब ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, मैं इसको थोड़ा समझा दूँ आपको, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, देखो बच्चों, ये है गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट फर्टिलाइजेशन करेगा तो हमें स्पोरोफाइट मिलता है जो कि डिप्लॉइड होता है, ठीक है, स्पोरोफाइट बच्चों मियोसिस करता है, स्पोर बनाता है तो हमें गैमेटोफाइट मिलता है, ठीक है, जो हैप्लॉइड है, बराबर, ये क्लियर है, yes. ये हमने पढ़ा ना लाइफ साइकिल, नाउ अंडरस्टैंड द फर्स्ट केस, द केस इज दिस, गैमेटोफाइट है हैप्लॉइड, इसने क्या किया, गैमेटोफाइट ने एक सेल बना दिया और एक सेल से डायरेक्ट बेटा स्पोरोफाइट बन गया, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन स्पोरोफाइट बन गया, तो स्पोरोफाइट भी हैप्लॉइड ही बनेगा, ठीक है, बट कैसा बना ये, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि ये गैमेटोफाइट के ऊपर डायरेक्टली बना है इसीलिए इसको बोलते हैं एपोगैमी, एपोगैमी अबोव द गैमेटोफाइट, ठीक है, बट एपोगैमी से जो भी स्पोरोफाइट बनता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन से बनता है, ठीक है, इसीलिए वो हैप्लॉइड होता है। द सेकंड केस, देखो स्पोरोफाइट जो होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड नॉर्मल, देखो स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ नहीं, उसके किसी पार्ट से स्पोर बन गए डायरेक्टली जो कि डिप्लॉइड बनेंगे और उसी से गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है, ऐसा होता है नॉर्मली देखने को मिलता है इन टेरिडोफाइट्स, तो स्पोरोफाइट से डायरेक्टली गैमेटोफाइट बना तो गैमेटोफाइट डिप्लॉइड होगा, यहाँ पे बेटा विदाउट मियोसिस ये हुआ है, और क्योंकि ये स्पोरोफाइट के ऊपर बना है तो इसको हम लोग बोलते हैं एपोस्पोरी, करेक्ट है, समझ गए, यस सर, ओके, सो इफ दिस इज
क्लियर टू यू राव? यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन है, Prothallus gives rise to fern plant. Without fertilization, it is. क्या होगा इसको, क्या बोलेंगे? Apogamy. Apogamy. बहुत बढ़िया. Gametophyte के ऊपर sporophyte develop हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं apogamy. ये लिखा क्या आप लोगों ने? Have you taken note of this? ये लिखा क्या बेटा आपने? Yes sir. Yes sir. Okay. बहुत बढ़िया. चलो आगे चलते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज है. ये तो आपको मैंने बता दिया एपोस्पोरी क्या होती है, ऑल्दो एपोस्पोरी इज नॉट आंसर हियर. ठीक है, अब बताओ पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू? ठीक है, व्हाट इज पार्थेनोकार्पी एंड व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस, तो देखो बहुत सिंपल है. पार्थेनोकार्पी, कार्प का मतलब होता है फ्रूट, कार्प का मतलब है फ्रूट. तो बहुत बार अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन से फ्रूट बनते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पी. फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज अ पार्थेनोकार्पी. ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस इवन आपको बेटा हनी बीज में देखने को मिलता है, ड्रोन्स बनते हैं. ठीक है, हैप्लोइड मेल बनता है, हैप्लोइड मेल. ठीक है, सो पार्थेनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, सब पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोकार्पी, सीडलेस फ्रूट आपने देखे होंगे, सीडलेस फ्रूट, फ्रूट बनते बट सीड नहीं बनता अंदर, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं. बात क्लियर है? Yes. Okay. Okay. आगे बढ़ते हैं. Next is, which of the following is considered important in the development of the seed habit? आपको अभी भी आंसर पता है, सबको पता है आंसर. क्या चीज इंपॉर्टेंट है फॉर द सीड हैबिट, बोलो ना. आसान है ना यार, अभी तो बताया था. Which of one of the following is considered important in the development of the seed habit? Answer is simply heterospory. Heterosporous condition पहले develop हुई, उसके बाद में सेलाजिनिला और सेलेजिनिया में, तभी बेटा उनमें seed habit भी देखने को मिलती है, otherwise देखने को नहीं मिलेगी. ठीक है, so that is very simple. Aplontic life cycle या free living gametophyte. Free living gametophyte तो बेटा seed habit के opposite में है. Gametophyte should be trapped, है ना? It should not be free living. तभी तो seed habit बनेगा. So, है ना? तो ये है हमारा answer. Seed habit, है ना? Heterospory से related है. Next, plants reproducing by spores, such as mosses and ferns, are grouped under the general term. क्या बोलते हैं उनको हम लोग? Bryophyte. अरे रे 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 रे. आराम से ना, आराम से. जल्दबाजी क्या है? Plants reproducing by spores such as mosses and ferns. Mosses and ferns are grouped under the general term. Sporo. अरे नहीं, sporophyte उसका एक generation है. अरे इनको हम cryptogams बोलते हैं. Plants के दो type, phanerogams and cryptogams. Phanerogams seed produce करते हैं with the spores. Cryptogams only spores produce करते हैं, ठीक है? इसीलिए bryophyte को मतलब mosses को और pteridophyte को मतलब ferns को हम लोग cryptogams कहते हैं. So this is answer. Perfect. Clear है? Yes sir. Next one. अब ये question शायद last class मैंने लिया था आपका, है ना? Same question. Yes sir. बताओ इसका क्या आंसर होगा, ये वाला. ये रॉन्ग है ना, मिसमैच है. पाइनस कैसा होना चाहिए? पाइनस शुड बी डायोशियस कि मोनोएशियस? पाइनस शुड बी मोनोएशियस. ठीक है, सो आंसर इज पाइनस शुड बी मोनोएशियस.
मैंने बताया था ना ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर डायोशियस, ओनली एक है ना एक्सेप्शन कौन सा है, पाइनस, बिकॉज पाइनस इज मोनोएशियस, करेक्ट है। नेक्स्ट अब इसका जवाब दो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटरोस्पोरस, करेक्ट है क्या? नो सर। नो, बिकॉज ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटरोस्पोरस, ठीक है। सेल्विनिया, जिंगो एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स, करेक्ट है क्या? सेल्विनिया नहीं है क्योंकि सेल्विनिया टेरिडोफाइट है, तो ये भी नहीं है। सिक्विया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज, करेक्ट है क्या? यस यस सर, ये सही है। डी देखते हैं, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट, ये तो सही नहीं है। सन कंस्ट्रोमेटा होता है, क्यूटिकल होता है, वाटर कंजर्वेशन की एबिलिटीज होती है, बराबर है ना? तो बेटा ये रॉन्ग स्टेटमेंट है यार, तो हमारा सही स्टेटमेंट ये है, इजी है, एलिमिनेशन से आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट वन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, अब ये वैसा ही क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया हमने, ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन आया है, देख लो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, नॉट इंडिपेंडेंट, बताओ। नॉट इंडिपेंडेंट मतलब दो ही है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। मर्केंशिया में इंडिपेंडेंट होता है, टेरिस में इंडिपेंडेंट होता है, फ्यूनारिया में इंडिपेंडेंट होता है, तो ये हो गया, पाइनस में इंडिपेंडेंट नहीं होगा। क्लियर है सबको? यस। ओके, नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग फाइव स्टेटमेंट्स। नाउ देखो, आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे बहुत बड़े बड़े से, ठीक है। अब आपको समय मिलेगा, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। पांच स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आपको आंसर देना है, बोलो। क्या है आंसर, व्हाट इज द आंसर? देखो, पहला वाला ऑप्शन जो है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। मैंने बताया था कि जहां पे वेजिटेशन नहीं होता, वहां पे जो रॉक्स है, वहां पे बेटा ये जो प्लांट्स होते हैं, मॉसेस और लाइकेन पहला कदम रखते हैं। मैंने एक वर्ड बताया था, वो था पायोनियर स्पीसीज, इफ यू रिमेम्बर, पायोनियर स्पीसीज, ठीक है। पायोनियर स्पीसीज मतलब ये सबसे पहले वहां जाके कदम रखते हैं और वहां पे थोड़ा थोड़ा बेटा सॉइल बनाना शुरू करते हैं। तो मॉसेस एंड लाइकेन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजम्स टू कॉलोनाइज अ बेयर रॉक, तो ये स्टेटमेंट प्यारे बच्चों करेक्ट है, समझ रही हो? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, ये बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, सो दिस इज करेक्ट। चलो बी के बारे में बताओ, सिलाजिनेला इज अ होमोस्पोरस, ये रॉन्ग है। सी के बारे में बताओ, कोरोलाइड रूट्स इन साइक्लस हैव अ वैम, अभी देखो वैम का मतलब होता है माइकोराइजा, माइकोराइजा, तो बेटा क्या ये सही है या गलत है? कोरोलाइड रूट इन साइकस, ये भी रॉन्ग है। कोरोलाइड रूट में क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक है, एनाबेना नोस्ट्रम, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज अ गैमेटोफिटिक, वेयर एज इन टेरिडोफाइट्स इट इज अ स्पोरोफिटिक, तो ये सही है, सही है। नाउ ऑप्शन ई, इन जिम्नोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर प्रेजेंट विद इन द स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन द स्पोरोफाइट, ये भी सही है ना।
गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट, है ना, दे आर इंडिपेंडेंट, करेक्ट है क्या? नहीं, दे आर डिपेंडेंट, नॉट फ्री लिविंग. गैमेटोफाइट आर नॉट फ्री लिविंग, नॉट फ्री लिविंग इन द जिम्नोस्पर्म्स, दे आर ट्रैप्ड इनटू द स्पोरेंजिया, करेक्ट है. सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इसी से तो सीड बनता है, ठीक है. सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा फिर बच्चों? द आंसर शुड बी ए बी एंड ई आर करेक्ट. पक्का आ गया, समझ गए हो क्वेश्चन? समझ गया? Yes. बढ़िया है. नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे आते हैं. बिसाइड्स द पेडीफिल्स, साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ, अब आपको पता है यार इसका आंसर? साइकस, साइकस के कोरालॉइड रूट, ठीक है. नाउ फिर से बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू ई एंड आंसर द क्वेश्चन व्हिच फॉलोज देम. चलो बताओ, नंबर वन करेक्ट है क्या? अरे पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? फर्स्ट स्टेटमेंट अरे पहला स्टेटमेंट खुशहाली, खुशहाली खुशी दोनों एक ही छोटे छोटे एक जैसे नाम है. बताओ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है खुशी? यस सर. सही है ना, इन लिविंग वर्ड्स मोसेस एंड फर्न्स गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग, बिल्कुल सही है ये. चलो सेकंड स्टेटमेंट देखो, इस बार खुशी बता, खुशहाली बताएगी, खुशहाली. जिम्नोस्पर्म्स एंड सम फर्न्स आर हेटरोस्पोरस, सही है क्या? जिम्नोस्पर्म्स एंड सम फर्न्स आर हेटरोस्पोरस, बोलो गलत हुआ तो. रॉन्ग है. नहीं बेटा ये तो सही लग रहा है मेरे को, जिम्नोस्पर्म्स हेटरोस्पोरस तो होते ही है और कुछ फर्न मतलब फिलाजिना सेल्विनिया, ठीक है, तो ये तो सही है. ठीक है नेक्स्ट वन यहाँ पे आते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्यूकस वॉलवॉक्स एंड अल्ब्यूगो इज ओगैमस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस वॉलवॉक्स एंड अल्ब्यूगो इज ओगैमस. तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अवेयर होना है, यहाँ पे देखो फ्यूकस में ओगैमी होती है, करेक्ट है ना, ओ वीजा फ्रेको मैंने बताया आपको, देन वॉलवॉक्स में ओगैमी होती है, बट ये अल्ब्यूगो क्या है बच्चों? अल्ब्यूगो ओमाइसिटिस है, फंगस है, तो इसका नाम ही देखो ओमाइसिटिस है यार, ओमाइसिटिस, तो समझ में आता है ये क्या करता होगा, ओस्पोर बनाता है मतलब ओगैमी करता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, है ना. फ्यूकस में भी ओगैमी है, वॉलवॉक्स में भी ओगैमी है, अल्ब्यूगो ऑल्दो इट इज एन फंगस, ये फंगस है, फंजाए है, तब भी उसमें ओगैमी है. फोर्थ, द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट इज मोर एलैबोरेट देन दैट इन मॉसेस, ये बेटा सही है गलत है? नो सर. है ना, तो ये तो बिल्कुल गलत है यार. बोथ पाइनस एंड मर्केंशिया आर डायोशियस, करेक्ट है क्या? नो सर. No, ये भी गलत है. तो बेटा हाउ मेनी ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? थ्री. बस हो गया, सिंपल है क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट. आगे बढ़ते हैं. देखो व्हाट इज अ कॉमन इन ऑल द थ्री, फ्यूनारिया ड्रायोप्टेरिस एंड जिंगो. फ्यूनारिया ड्रायोफाइट है, ड्रायोप्टेरिस टेरिडोफाइट है, जिंगो जिम्नोस्पर्म है, इन तीनों में क्या चीज कॉमन है? ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मतलब उन्होंने पहले भी डिस्कस किया है, बस एग्जांपल बदल दिए उन्होंने, बाकी क्वेश्चन तो सेम है. क्या चीज तीनों में पाए जाएगी? इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, ऑब्वियसली स्पोर, एंड ब्रायोफाइट में इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं होता तो ये गया. प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, बिल्कुल फ्यूनारिया में आर्किगोनिया होता है, है ना, टेरिडोफाइट में आर्किगोनिया होता है, जिम्नोस्पर्म में, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, बाकी सी और डी देख लेते हैं. Well developed vascular tissue, yes, है ना, ब्रायोफाइट do not have the well developed vascular tissue, to gone. Independent gametophyte, यार gymnosperms में तो independent gametophyte नहीं होता, इसलिए हमारा answer B है, presence of archegonia, और ऐसा question हमने पहले भी किया, is it clear? Yes or no? Yes. Okay, yes. Next one.
साइकस एंड एडियंटम। अभी साइकस देखो एक जिम्नोस्पर्म है और एडियंटम क्या है बच्चों, एक केरिडोफाइट है। ये पहले आपको जब भी क्वेश्चन आता है ना, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट सिंपल थिंग, दे आर आस्किंग अबाउट द ग्रुप। ग्रुप मतलब जिम्नोस्पर्म है ना, या तो टेरिडोफाइट ये है, तो पहले पता लगा लो कि कहाँ पे है। रिसेंबल ईच अदर इन हैविंग, अच्छा दोनों में क्या सिमिलरिटी है। देखो एडियंटम में सीड होता नहीं है इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। कैम्बियम मतलब सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो एडियंटम में होती नहीं है इसलिए ये भी आंसर नहीं है। कैम्बियम आप पढ़ोगे कैम्बियम क्या चीज है, बट इन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपको कैम्बियम ये शब्द समझ में आएगा। उसके बाद वेसल्स, यार देखो है ना, साइकस में भी वेसल्स नहीं होते, एडियंटम में भी वेसल्स नहीं होते, दोनों में ही वेसल्स नहीं होते तो ये तो गया। तो बेटा मोटाइल स्पर्म्स बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था कि जिम्नोस्पर्म में नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स बनते हैं मेल गैमेट, बट साइकस में फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट होते हैं, वो भी बायफ्लैजेलेटेड, करेक्ट है क्या? नहीं, मल्टीफ्लैजेलेटेड। ऐसा टॉप शेप मैंने ड्रॉ करके दिखाया आपको लास्ट क्लास में, और बहुत सारे फ्लैजेला होते हैं। सो साइकस हैव अ मोटाइल गैमेट और एडियंटम ऑल्सो हैव द मोटाइल गैमेट, तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा बी, करेक्ट है क्या? Yes. बिल्कुल बढ़िया। Let's do this one. Which one of the following is a correct statement? अब आप बताओ भाई, इनमें से correct statement कौन सा है? और आसान है ये question, बहुत easy है। Which one of the following is a correct statement? Correct statement कौन सा है? Which one of the following is a correct statement? D क्या है? Origin of seed habit can be traced in pteridophyte. बिल्कुल सही है। है ना? Pteridophyte, gametophyte has a बराबर बिल्कुल बिल्कुल D is correct. That's it. यही चाहिए। बस आपको eliminate करके आना चाहिए। Answer perfect आता है। है ना? गलत नहीं होता। ठीक है? So this is correct. Okay. Now again, read the following five statements and answer the question. ठीक है, तो क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बताओ। ऑप्शन है 2, 3, 4। अभी ये देखो पढ़ लो। पहला है इन इक्विजिटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। ये गलत है, ऐसा इक्विजिटम में नहीं होता, ऐसा सिलेजिनेला में होता है। सीड हैबिट, सीड हैबिट का वर्णन है ना ये, फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, तो ये इक्विजिटम में होता है क्या? नहीं होता, सो इट्स रॉन्ग। दूसरा, इन जिंगो मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, सही है। जिंगो एक जिम्नोस्पर्म है जिसमें गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होते ही नहीं है, तो बिल्कुल ये सही है, क्वेश्चन स्टेटमेंट है। दूसरा, द स्पोरोफाइट इन रिक्शिया इज मोर डेवलप देन दैट इन पॉलीट्रिकम, ये तो गलत है क्योंकि रिक्शिया बेटा लिवर वर्ट है। मैंने तो बताया था आपको रिक्शिया का स्पोरोफाइट तो सबसे सिंपल होता है, तो बेटा ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स इज आइसोगैमस, ऑब्वियसली यू नो इट, ओ वीजा फेको, क्या है ओ वीजा फेको, वी वॉल्वॉक्स इज ओगैमस, तो बेटा ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, द स्पोर्स ऑफ द स्लाइम मोल्ड लैक सेल वॉल्स, तो ये बेटा ये भी गलत है। जब आप किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ोगे तो स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ोगे, अभी पढ़ा होगा रिसेंटली शायद आपने, तो स्लाइम मोल्ड के ऊपर सेल वॉल नहीं होता बट उसके स्पोर्स के ऊपर ट्रू सेल वॉल होता है मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये लिखा है आपके एनसीईआरटी, स्लाइम मोल्ड हैव द ट्रू सेल वॉल, करेक्ट है? यस और नो? स्पोर्स हैव अ ट्रू सेल वॉल, तो इसीलिए ये वाला भी गलत है। तो बेटा कितने करेक्ट है? ओनली वन, बाकी सब इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये जब तक आपको एलिमिनेशन की आदत नहीं होती तब तक बेटा प्रॉब्लम होता है। ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट इसीलिए है कि देखो मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में सिनर्जिड बनता है, बिल्कुल सही है ये वाला। वायरॉइड, आप अभी वायरस वायरॉइड पढ़ रहे होंगे अभी जस्ट, है कि नहीं? शायद अभी पढ़ रहे होंगे वायरस वायरॉइड, बराबर है? सो इफ यू आर स्टडिंग राइट नाउ वायरस वायरॉइड एंड ऑल थिंग्स, तो प्यारे बच्चों क्या आप बता सकते हो ना, वायरॉइड्स मतलब आरएनए होता है क्या? नेकेड
इन्फेक्शियस आरएनए और ए आरएनए विदाउट कैप्सिड्स, इसको हम वायरॉइड बोलते हैं। तो ये तो सही है, पढ़ा क्या ये सी पढ़ा है क्या? हाँ सर। हाँ अच्छा, सेल्विनिया प्रोथेलस और जिंगो आर्किगोनिया, आप इसमें से किसे रिजेक्ट करोगे? क्योंकि ये तो हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। अब ए या बी में से ही आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। ठीक है, तो अभी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जिंगो में आर्किगोनिया होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो बिल्कुल ये सही है। बट सेल्विनिया में, क्योंकि वो पानी के ऊपर तैरने वाला टेरिडोफाइट है, हाइड्रोफाइट है, इसीलिए उसमें प्रोथेलस नहीं बनता। ऑल्दो इट इज एन टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट में प्रोथेलस बनना चाहिए, बट सेल्विनिया में प्रोथेलस आपको नहीं बनते हुए दिखाई देगा, है ना, प्रोथेलस ट्रैप हो जाता है, इसीलिए हमारा आंसर बी होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच, तो सेल्विनिया में प्रोथेलस नहीं होता, ऑल्दो इट इज एन टेरिडोफाइट, इसीलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। नहीं तो क्या है, सभी टेरिडोफाइट प्रोथेलस बनाते हैं ऐसा हमें पता है, करेक्ट है? सो व्हाई दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, आर यू श्योर, क्लियर है? यस सर। बिल्कुल बढ़िया। तो बच्चों अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग, मैं मतलब क्वेश्चन को रोक देता हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको ये सॉफ्ट कॉपी भी सेंड की है ना, आप पहले से नंबर पहला वन से बेटा आखिरी तक जितने क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करो। ठीक है, मतलब आप इस ये सारे जो क्वेश्चन है